सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा, बी अ बेटर यू। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिंस, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारे मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। दिव्या दिल्ली की रहने वाली हैं, 26 साल की हैं। कुछ समय पहले उनकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द शुरू हुआ, यानी लोअर बैक में। अब ये दर्द चमक की तरह उठता था, लोअर बैक से होते हुए कूल्हों और पैरों तक जाता था। दिव्या को ये दर्द सिर्फ बाईं तरफ ही होता था। जब पेन किलर और सिकाई से कोई आराम नहीं मिला तो फिर दिव्या ने डॉक्टर को दिखाया। दिव्या को पता चला उन्हें सियाटिका की दिक्कत है। ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। कई लोगों को ये दर्द उठता है पर उन्हें ये नहीं पता होता कि सियाटिका के कारण ऐसा हो रहा है। उन लोगों ने शायद सियाटिका का नाम भी नहीं सुना होता है। दिव्या जानना चाहती हैं कि क्या सियाटिका का कोई परमानेंट इलाज है। वो चाहती हैं हम इस टॉपिक पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, डॉक्टर से पूछकर लोगों को बताएं ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि सियाटिका क्या होता है। सियाटिक नर्व हमारी कमर से निकलने वाली सबसे बड़ी नर्व है। यह नर्व थाइस के पीछे वाली मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां, एड़ी और पंजों की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं। जब यह नर्व हमारी कमर से निकलती है तो विभिन्न कारण से इस पे दबाव आ सकती है। इस कंडीशन को हम सियाटिका कहते हैं। यंग एज में सबसे प्रमुख कारण स्लिप डिस्क है। ओल्ड एज में सबसे प्रमुख कारण डीजेनरेटिव स्पाइन या फिर लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है। रेयरली सियाटिक नर्व पे दबाव किसी ट्यूमर या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। सियाटिका का दर्द कमर से शुरू होके पैरों में जाता है। यह दर्द कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक या फिर जलन जैसी महसूस हो सकती है। अगर दबाव ज़्यादा बना है तो पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, सेंसेशन में कमी आ सकती है। कुछ केसेस में पेशाब की कंट्रोल भी जा सकती है। सियाटिका का दर्द फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे और एमआरआई से डायग्नोज किया जाता है। इसका इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। अगर सियाटिका का दर्द स्लिप डिस्क की वजह से है तो शुरुआती समय में रेस्ट और दवा दी जाती है और कुछ समय के बाद एक्सरसाइजेस शुरू की जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को इससे आराम मिल जाती है। कुछ पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर सियाटिका का दर्द लंबर स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से है तो दवा और एक्सरसाइजेस से अधिकतर पेशेंट को आराम मिलती है। अगेन कुछ पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर यह दर्द किसी ट्यूमर की वजह से है तो उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप नियमित कमर की एक्सरसाइज करें, जिसे हम लो बैक कोर मसल स्ट्रेंथनिंग कहते हैं। ज़्यादा वजन ना उठाएं और आगे झुककर काम ना करें। एक करेक्ट पोस्चर मेंटेन करें, इसका मतलब बैठते समय कमर के पीछे एक छोटा सा पिलो या फोल्डेड टॉवल रखें। किसी भी कमर दर्द को इग्नोर ना करें और ज़्यादा समय तक रहने पर अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलें। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या सियाटिका का दर्द पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि सियाटिका का कारण क्या है। सही समय पर सही इलाज मिलने पे यह दर्द पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, सियाटिका का दर्द क्यों होता है और उससे निजात कैसे मिल सकती है, ये तो हमने डॉक्टर साहब से सुन लिया। डॉक्टर नंदन ने जिक्र किया कुछ एक्सरसाइजेस का। अब ये एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर निशांत ने। देखिए, सियाटिका के मरीजों में तीन प्रकार की एक्सरसाइज करवाई जाती है। पहली एक्सरसाइज, जिसे डीकंप्रेशन एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें सियाटिक नर्व या नस पे होने वाले दबाव या कंप्रेशन को कम किया जा सकता है। दूसरी एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे मांसपेशी या मसल्स में आई हुई जकड़न या टाइटनेस को कम किया जा सकता है। और तीसरी एक्सरसाइज, जिससे मांसपेशियों में स्ट्रेंथ यानी कि ताकत
बढ़ाई जा सके ताकि नस पे होने वाले दबाव को कम किया जा सके। इस एक्सरसाइज में सीधे खड़े रहना है, दोनों पैर शोल्डर्स की चौड़ाई में रखने हैं, जिसे शोल्डर विथ अपार्ट कहा जाता है। दोनों पैरों को शोल्डर की लाइन में रखकर दोनों हाथों को कूल्हों पे रखना है और धीरे से पीछे दाते हुए दोनों हाथों से कूल्हे को आगे की तरफ धक्का देना है और इस पोजीशन में 10 से 20 सेकंड तक रुकना है और धीरे से वापस सीधे हो जाना है। इस एक्सरसाइज में सीधा लेटकर एक पैर को कूल्हे और घुटने में से मोड़कर अपनी छाती की तरफ धीरे धीरे खींचना है। इसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है, जिससे टाइट हुई मांसपेशियों को लूज किया जा सके। इस एक्सरसाइज में दोनों हाथों को कंधों की लाइन में रखा जाता है और दोनों घुटनों को कूल्हों की लाइन में रखा जाता है। इस पोजीशन में रहकर एक पैर धीरे से हवा में स्ट्रेट उठाया जाता है और उसी तरह दूसरे पैर को हवा में स्ट्रेट किया जाता है। एक बार यह कसर अच्छी तरह सीख लेने के बाद एक हाथ को सीधा किया जाता है और उसके ऑपोजिट लेग को या पैर को सीधा किया जाता है और फिर वापस धीरे से वही पोजीशन में आ जाना होता है। उसी तरह क्रॉस में लेफ्ट हैंड और राइट पैर को हवा में किया जाता है और फिर धीरे से वापस उसी पोजीशन में आ जाना होता है। यह एक्सरसाइज 10 से 15 बार की जा सकती है। इस एक्सरसाइज में पेट के बल उल्टा लेटकर दोनों हाथों को सर की साइड में रखकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है और इस पोजीशन में 10 से 20 सेकंड तक रुककर धीरे से नीचे जाना। इस एक्सरसाइज में सीधे लेटकर एक पैर घुटने में से मोड़कर दूसरे पैर के रख दिया जाता है और दूसरे पैर को मोड़कर जांघों के पीछे हाथ रखकर छाती की तरफ खींचा जाता है। इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड तक रहने के बाद धीरे से वापस पैर सीधा कर दिया जाता है। जो एक्सरसाइजेस डॉक्टर निशांत ने बताई हैं, वो आपको सियाटिका के दर्द से आराम तो जरूर दिला सकती हैं, पर कोई भी एक्सरसाइज बिना अपने डॉक्टर की सलाह के हरगिज ना करें, साथ ही इन्हें किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसलिए इस हफ्ते हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में। आज बात करते हैं कि पैंडेमिक के दौर में ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय किन बातों का खास ख्याल रखें। माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके फायदे और ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े कुछ आम मिथकों के बारे में हम अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। आज जानते हैं पैंडेमिक के दौर में ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। यह हमें बताया डॉक्टर मधु गोयल ने। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में किसी को कोविड होने की आशंका है तो क्या आपको ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए? क्या ये सेफ है? जवाब है हाँ, बशर्त आप 3 बातों का ख्याल रखें। 1, बच्चे के पास मास्क पहनकर ही जाएं। ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से जरूर धोएं। आसपास की चीजों को साफ करें, जैसे बिस्तर या जो भी चीजें आप छूते हैं उन्हें सैनिटाइजर से साफ करें। ध्यान रहे कि सैनिटाइजर में 60% तक अल्कोहल हो। हर थोड़ी देर में आसपास की चीज़ों को साफ करते रहें, सर्फेसेस को साफ करते रहें ताकि किसी भी तरह का वायरस वहां पर ना रहे। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगर आप बीमार हैं या फिर डिलीवरी से पहले आपको कोविड हो चुका है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय आप बीमार हैं, तो क्या आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं?
डॉक्टर मधु कहती हैं, हाँ आप ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। वायरस ब्रेस्ट मिल्क में नहीं जाता है। अभी तक कोई भी रिसर्च ऐसी नहीं है जो ये दिखाती हो कि वायरस ब्रेस्ट मिल्क में जाता हो, बल्कि एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क में जाती हैं जो बच्चे की कोविड इन्फेक्शन को कम करेंगी या फिर कोविड से उसे बचाएंगी। बस आपको मास्क पहनना है, हाथ धोना है और आसपास की चीज़ों को साफ रखना है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बीज यानी सीड्स और अनाज, ये सभी तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कुछ लोग इन्हें कच्चा या फिर भूनकर और स्प्राउटेड भी खाते हैं। आमतौर पर ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है, पर आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? साथ ही नट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को खाने का सही समय क्या है, इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। वो कहती है कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में लिया जाए तो बहुत फायदा होता है। इनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा 2 गुना बढ़ जाती है, साथ ही आसानी से पचाया भी जा सकता है। अब जो चीजें आसानी से पच जाती हैं उन्हें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इनको लेने से आप सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि बीमारियों से भी दूर रहते हैं। जैसे बादाम को रात भर भिगो कर रखने से लिपेस नाम का एंजाइम निकलता है, ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। मुनक्का भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, ये मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन का भंडार है। इसको लेने से शरीर में कमजोरी दूर होती है, आयरन की कमी पूरी होती है और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं। इसे आप पानी में भिगोकर या फिर दूध में उबालकर रात में सोते समय लें। एक बात डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने और बताई, हर दिन 50 ग्राम से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या फिर नट्स ना खाएं। आप 4-5 बादाम खा सकते हैं दिन में एक बार सुबह। मुनक्का आप 3-4 ले सकते हैं, या तो पानी में भिगोकर या फिर दूध में उबालकर। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।